हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बैटल ऑफ मनी गेम को खेला कैसे जाता है। बैटल ऑफ मनी गेम एक इन्वेस्टमेंट गेम है जिसमें कई तरीके के इन्वेस्टमेंट दिखाए जाते हैं, जैसे गोल्ड, शेयर्स, बिजनेस और रिस्क कार्ड। आपको इस गेम में एक मेन बोर्ड मिलेगा, 9 ग्रीन और रेड कार्ड्स मिलेंगे, 12 बिजनेस कार्ड्स मिलेंगे, 16 रिस्क कार्ड्स, एक सैंड टाइमर यानी आर ग्लास, 4 टोकन्स, 2 डाइसेस, मनी नोट्स, गोल्ड, शेयर सर्टिफिकेट और एक गेम की शीट मिलेगी जिसमें नंबर्स दिए रहते हैं। इस गेम का ऑब्जेक्ट ही है कि चीज़ों को खरीदिए, बेचिए, प्रॉफिट कलेक्ट करिए और सामने वाले को बैंकरप्ट करिए। जो प्लेयर आखिरी तक रहता है वही इस गेम को जीतता है। गेम की शुरुआत में हर प्लेयर को 27,000 कैश, एक रिफ्यूजल कार्ड, एक प्लेयर कार्ड, एक बैंक लोन कार्ड और एक टोकन चूज करने को दिया जाएगा। सभी प्लेयर्स अपने टोकन को स्टार्ट ऑप्शन पे रखेंगे और सब प्लेयर्स बारी बारी करके इन डाइसेस को फेंकेगा। जिसका हाईएस्ट नंबर आता है इस गेम की शुरुआत को वही करेगा। स्टार्ट करने से पहले एक बात को ध्यान रखेंगे, जब गेम स्टार्ट होगा तो ये टाइमर भी ऑन हो जाए और प्लेयर्स डाइस फेंकेंगे। जैसे 3 और 4 आया, 1, 2, 3, 4, जो डाइस वैल्यू में आएगा उतने स्टेप्स वो आगे बढ़ते रहेंगे और जो ऑप्शन पे लिखा होता है वो आपको फॉलो करना होता है। इस गेम में आपको 4 चीजें खरीदनी होती हैं, गोल्ड, शेयर्स, बिजनेस कार्ड और रिस्क कार्ड। अब हम ग्रीन और रेड कार्ड के बारे में बात करेंगे। जब इस आर ग्लास की सैंड फिनिश हो जाती है तो कोई भी एक प्लेयर इस ग्रीन कार्ड की गड्डी से सबसे ऊपर वाला कार्ड उठाएगा, उसको पलटेगा और जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सभी प्लेयर्स को फॉलो करनी होती है। फॉलो करने के बाद इसको वापस गड्डी में रख दिया जाता है कुछ इस तरीके से और इस आर ग्लास को दोबारा स्टार्ट कर देंगे और प्लेयर्स दोबारा डाइस फेंक के आगे बढ़ेंगे। जब ये आर ग्लास फिर से फिनिश होगा तो प्लेयर्स वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, कार्ड को खोलेंगे, पढ़ेंगे और उसे गड्डी के नीचे रख देंगे। अगर किसी ग्रीन कार्ड पे ये लिख के आ जाए स्टार्ट रेड कार्ड, इसका मतलब है कि अगली टर्न में जब आर ग्लास फिनिश होगा तो ग्रीन कार्ड की बजाय रेड कार्ड को खोला जाएगा। और अगर किसी रेड कार्ड में ये लिख के आ जाए स्टार्ट ग्रीन कार्ड, तो इसका मतलब है कि ग्रीन कार्ड की रेड कार्ड ओवर हो गया है और अब टाइमर फिनिश होने के बाद अब ग्रीन कार्ड खोला जाएगा। प्लेयर्स इस गेम में गोल्ड और शेयर्स भी खरीद सकते हैं जब वो किसी बाय ऑप्शन पे गिरते हैं। वो दोनों चीजें एक साथ खरीद सकते हैं या फिर दोनों एक एक करके भी खरीद सकते हैं। इस गेम के अंदर 2 मीटर्स बने हुए हैं, गोल्ड मीटर और शेयर मीटर। ये करंट प्राइस रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे इस समय प्राइस 3000 चल रहा है। इनके प्राइसेस जो है वो ग्रीन और रेड कार्ड से ही चेंज होते हैं। प्लेयर्स गोल्ड और शेयर्स को उसी रेट पे सेल करेंगे जो रेट्स इन मीटर्स पे लिखे हुए हैं। इन मीटर्स पे जो रेट लिखा होता है वो पर 1 लॉट का रेट होता है और प्लेयर्स एक बार में 3 लॉट ही खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर वो इस मान लीजिए इस बाय ऑप्शन पे गिरे, उन्होंने 3 लॉट ये खरीदा, अगर उन्हें 3 लॉट से ज्यादा खरीदना है तो उन्हें 2 बार बाय ऑप्शन पे गिरना पड़ेगा। एक बार इधर 3 लॉट्स खरीदे और फिर इधर 3 लॉट्स खरीदे, यानी 3+3, 6 लॉट्स हो गए। प्लेयर्स कभी भी गोल्ड और शेयर्स को सेल कर सकते हैं बैंक को और बाय ऑप्शन पे गिरने पे कंपलसरी नहीं है कि आपको गोल्ड और शेयर्स को खरीदना ही खरीदना है। आपको इस गेम में एक गेम शीट दी गई है जिसमें बहुत सारे नंबर्स लगे हुए हैं। आपको इन नंबर्स को निकाल के और इन नंबर्स को यहाँ प्लेस करना है ताकि ये रेट्स ऊपर नीचे हो सके। अब हम बात करेंगे कि इन मीटर्स के प्राइसेस चेंज कैसे होते हैं। जब भी सैंड टाइमर में इसकी सैंड फिनिश होगी, कोई भी एक प्लेयर ग्रीन कार्ड को खोलेगा, उसे पलटेगा और उसमें लिखा हो रहता है डिक्रीज गोल्ड बाय 400 एंड इंक्रीज शेयर्स बाय 400। तो शेयर्स के भाव को 300 से बढ़ा के ये हो जाएगा 3400 और यहाँ 3000 है और ये 400 रुपये से गिर गया है तो ये रेट हो जाएगा आपका 2600, यानी ये 6 और ये। तो इन नंबर्स की मदद से आप रेट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बिजनेस कार्ड्स के बारे में। प्लेयर्स इस गेम में बिजनेस भी कार्ड्स खरीद सकते हैं। ये सभी बिजनेस कार्ड्स ऑक्शन पे होते हैं, यानी कि नीलामी। जैसे ही कोई प्लेयर किसी बिजनेस कार्ड पे लैंड करता है उसी टाइम पे इसकी नीलामी स्टार्ट हो जाती है। ऑक्शन जो है वो बेस प्राइस से स्टार्ट रहेगा, ये बेस प्राइस इसी बोर्ड पे ही लिखा रहता है। जो भी नीलामी लगेगी वो 100 के मल्टीपल्स पे ही लगेगी, जैसे इसकी लगेगी 2100, 2200 और 2300।
जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो कार्ड उसको मिल जाता है। अगर किसी प्लेयर को बैटिंग लगाने का मन नहीं है तो वो सिंपल आउट बोल सकता है और बैटिंग लगाना कंपलसरी नहीं है। बिजनेस कार्ड को खरीदने का फायदा ये होता है कि आप उससे प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते हैं सामने वाले प्लेयर से। वो कैसे होता है इसको देखते हैं। मान लीजिए आपने गारमेंट ऑक्शन को खरीदा हुआ है, जैसे ही आप इसको खरीद लेते हैं तो आप इसके पीछे देख सकते हैं कि आप 200 रुपीस प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉफिट आप तब कलेक्ट करेंगे जब सामने वाला कोई भी प्लेयर स्टार्ट ऑप्शन पे लैंड करता है या इसको क्रॉस करता है। आप उन सभी बिजनेस कार्ड्स के प्रॉफिट को कलेक्ट करेंगे जो आपने खरीदे हुए हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा बिजनेस कार्ड्स खरीदे हुए हैं तो आप दोनों या तीन को प्रॉफिट्स को जोड़ेंगे और सामने वाले से उसी टाइम पे कलेक्ट करेंगे जब वो स्टार्ट ऑप्शन पे लैंड कर रहा है या उसे क्रॉस कर रहा है। अगर आपको बिजनेस कार्ड को बेचना है तो या तो आप प्लेयर से ट्रेड कर सकते हैं या फिर बैंक को बेच सकते हैं। अगर बैंक को बेचेंगे तो बैंक आपको सिर्फ बेस प्राइस ही देगा। अब हम बात करेंगे रिस्क कार्ड्स के बारे में। रिस्क कार्ड्स कंपलसरी कार्ड्स होते हैं और ये ग्रीन या रेड कार्ड के थ्रू ही खुलते हैं और ये किसी स्पेसिफिक प्लेयर के नाम पर ही खुलते हैं और जिसके नाम पर ये खुलते हैं उस प्लेयर को इसे खरीदना ज़रूरी होता है। टोटल 4 रिस्क कार्ड्स एक पर्टिकुलर प्लेयर के नाम पे खुलेंगे और हर प्लेयर और हर रिस्क कार्ड की कॉस्ट 10,000 रुपीज़ होती है, यानी टोटल 40,000 रुपीज़ के रिस्क कार्ड्स प्लेयर्स को खरीदने होते हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क कार्ड के बैक साइड के बारे में। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये इसका प्राइस लिखा हुआ है 10,000, किस प्लेयर के नाम पे खुला हुआ है, प्लेयर 1 के नाम पे खुला हुआ है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, रिस्क कार्ड्स के फायदे क्या होते हैं कि अगर आप रिस्क कार्ड खरीद लेते हैं तो आप सामने वाले से प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आपने एक रिस्क कार्ड खरीदा हुआ है तो आप 500 रुपीज़ कलेक्ट करेंगे, टोटल 2 खरीदा है तो आप 1,000 कलेक्ट करते हैं टोटल प्रॉफिट। अगर आपने अपने ही नाम के 3 खरीद लिए तो 2,000 और अगर 4 खरीद लिए तो 4,000 आप टोटल प्रॉफिट कलेक्ट करेंगे। ये प्रॉफिट आप वैसे ही कलेक्ट करेंगे जैसे आप बिजनेस कार्ड्स में कलेक्ट करते थे जब सामने वाला स्टार्ट ऑप्शन पे या उसे क्रॉस करता है। रिस्क कार्ड्स को जो रीसेल वैल्यू वो सिर्फ 1,000 है और इसे सिर्फ बैंक को बेचा जा सकता है, किसी भी प्लेयर्स के साथ ट्रेड नहीं करा जा सकता है। अब हम रिफ्यूजल कार्ड के बारे में बात करेंगे। हर प्लेयर को एक रिफ्यूजल कार्ड मिलता है जिसे वो तब यूज कर सकता है जब उसे कोई एक रिस्क कार्ड नहीं खरीदना हो। ध्यान रहे, प्लेयर इसे एक ही बार यूज कर सकते हैं और इसके यूज करने पे जो रिस्क कार्ड खुला था उनके नाम पे वो वापस गड्डी में चला जाता है और बैंक को वापस रिफ्यूजल कार्ड दे दिया जाता है। अब हम बात करेंगे बैंक लोन के बारे में। हर प्लेयर को एक बैंक लोन मिलता है 6,000 का जो उसे वो कभी भी यूज कर सकता है। इस लोन की रीपेमेंट 8,000 होती है और इसे उसे 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है 2,000 ईच। जब भी कोई प्लेयर इस बैंक लोन को लेता है तो बैंक उसे 6,000 रुपीस कैश देता है और साथ में इंटरेस्ट ड्यू के 4 कार्ड्स देता है 2,000 ईच के। हमें अगर किसी ग्रीन और रेड कार्ड में ये लिख के आ जाए, इंटरेस्ट ड्यू वर्ड लिख के आ जाए, तो इसका मतलब है जिन जिन प्लेयर्स ने लोन लिया हुआ है उन्हें अपनी एक किस्त चुकाने का टाइम आ गया है और उन्हें इमीडिएटली 2,000 रुपीस और इंटरेस्ट ड्यू का एक कार्ड बैंक को वापस करना होता है। जैसे मान लीजिए ये आर ग्लास ओवर हुआ और मैंने ये ग्रीन कार्ड उठाया और इसके पीछे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू, इस मीन जिसने लोगों ने लोन लिया है उन्हें इमीडिएटली 2,000 रुपीस और एक इंटरेस्ट ड्यू का कार्ड बैंक को देना होगा। अगर वो नहीं देते हैं तो उसी समय बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। के बारे में, अगर किसी प्लेयर का टोकन इस ऑप्शन पे आके गिरता है तो वो कुछ सरप्राइज पैसे अर्न कर सकता है। यहाँ पे प्लेयर एक नंबर सोचेगा, सबको बताएगा और फिर डाइस को फेंकता है। अगर वही नंबर आ गया तो वो बैंक से उस नंबर का 200 टाइम्स कलेक्ट करेगा। अगर किसी प्लेयर का टोकन इस सेफ हाउस ऑप्शन पे गिरता है, इस ऑप्शन का मतलब है कि आप एक चांस के लिए इस हाउस पे रुक सकते हो और आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी प्लेयर का टोकन इस ऑप्शन पे गिरता है जो है थ्रो द डाइस एंड मूव अहेड, तो आप बस डाइस फेंकेंगे, जितना नंबर आता है आप उतने स्टेप्स आगे चले जाते हैं। और अगर आप किसी इस ऑप्शन पे गिरते हैं थ्रो द डाइस एंड मूव बैक, तो आप डाइस फेंकेंगे और उतने स्टेप्स पीछे आ जाते हैं। अगर किसी प्लेयर का टोकन स्टॉप अंटिल यू रोल इवन पे आता है, इट मीन्स कि आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब तक आपके डाइस का टोटल इवन नंबर नहीं।